की ओर खबर लखनऊ से है, जहां अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने निजी चिकित्सा क्षेत्र में एक बार फिर से मील का पत्थर रखा है। अपोलो मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की टीम ने अत्याधुनिक डीबीएस सर्जरी द्वारा 70 वर्षीय महिला के दिमाग में पेसमेकर लगाया है। इस तकनीक को डीप ब्रेन स्टैमुलेशन डीपीएस कहते हैं, जिसमें दिमाग के पेसमेकर की तरह का यंत्र लगाया जाता है। बता दें, प्रदेश के निजी अस्पतालों में पहली बार ऐसी सर्जरी हुई है। वहीं डीबीएस सर्जरी के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया कि 70 वर्षीय महिला पिछले 9 साल से पार्किंसन से जूझ रही थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल के लिए और लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप है, और जिस एक्सपर्टीज से डॉक्टर सुनील और डॉक्टर गोपाल ने इस पेशेंट को ट्रीट किया है और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं। और दिस एम्बार्क्स अ न्यू जर्नी फॉर अपोलो मेडिक्स एंड एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो डीबीएस यानी कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्रेन के डेप्थ में जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रोड और बैटरी के द्वारा उसको स्टिमुलेट करके बीमारी का निवारण किया जाता है। इंडिकेशन स्पेसिफिकली पार्किंसंस डिजीज होती है, जिसमें हाथ कांपने वाली बीमारी होती है। इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेशंस हैं, एसेंशियल ट्रेमर और ओसीडी वाली बीमारियां भी में भी यूज हो सकता है। तो इसमें पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना है कि कौन से पेशेंट इसके लिए फिट हैं, कौन से पेशेंट में फायदेमंद होगा, एंड उसको सेलेक्ट करने बाद में, पेशेंट से काउंसलिंग करने बाद, फिर जो ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं उसमें छोटे छोटे हल्के से होल्स बना के उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए जाते हैं, और जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है वैसे ही इसमें ब्रेन का पेसमेकर टाइप की एक बैटरी लगा के लीड से कनेक्ट कर देते हैं, एंड उसके बाद फिर पार्किंसन डिजीज की बीमारी का ट्रीटमेंट जो कि उसी के द्वारा आगे चलता है। तो एक तो ये सक्सेसफुल बहुत होता है प्रॉपरली सेलेक्टेड पेशेंट्स में। अगर डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिव है और पेशेंट सेलेक्शन सही है तो ये ऑलमोस्ट 90-100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। एंड डेफिनेटली प्रदेश के बहुत पेशेंट्स जो पार्किंसन डिजीज से ग्रसित हैं, जिनको दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते हैं विद ड्यू टाइम, जिनको बाहर जाना पड़ता है, मुंबई दिल्ली वेली जाना पड़ता है जहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद ये प्रोग्राम होगा कि डीबीएस जो है कि इनके घर के पास में ही हो जाता है। सेकंड जो फॉलोअप भी होता है वो भी इनके घर के पास में लखनऊ में ही हो जाएगा इजीली। पार्किंसन प्लस सिंड्रोम होते हैं जो पार्किंसन डिजीज की तरह मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे एमएसए हो गया और पीएसपी हो गया। ये पेशेंट जो है डीबीएस में फायदा नहीं होगा क्योंकि इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है, इनकी जो प्रोग्रेस है अलग है। लेकिन अफसोस की बात है कि फर्स्ट 2 साल में सारी बीमारी एक जैसे लगते हैं, तो पार्किंसन डिजीज कम से कम 5 तरह से हिल रहा है, उसको डिस्काइनेसिया बोलते हैं। ये डिस्काइनेसिया जो है, जो पार्किंसन डिजीज की मेन ट्रीटमेंट है सिंड्रोपा, उसकी वजह से। तो वो मेडिसिन हम बिल्कुल ना के बराबर करते हैं और पेशेंट की ये डिस्काइनेसिया बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये संक्षेप में डीबीएस की जो सर्जरी जो हम पहले फॉर फर्स्ट बार किए हैं और डॉक्टर मयंक के ब्रेन के डीप न्यूक्लियस, जो बिल्कुल मिडलाइन के बाद न्यूक्लियस है, उसमें लीड्स डाल के बाहर से इनको स्टिमुलेट करते हैं इस पेसमेकर से, इसीलिए उसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। और इसमें जो पेसमेकर जो लगाते हैं बाहर से, इसमें एक बैटरी होती है जिसकी लाइफ 15 साल होती है, रिचार्जेबल बैटरी। जो परमानेंट बैटरी है वो करीब 7 साल तक चलती है। इसकी कॉस्ट जो है करीब 15 से लेकर 25 लाख तक है। इसके साथ एक प्रोग्रामर आता है और इस प्रोग्राम से आप इसके ब्रेन के अंदर जो करंट जाती है उसकी पावर हम कंट्रोल कर सकते हैं और उससे पेशेंट्स की सिम्टम में कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आपको लग रहा है पार्किंसन डिजीज है, जैसे कोई ड्रग इंड्यूस पार्किंसन है या ब्रेन के बहुत से जगह एट्रोफी हो रहा है, वो उनको पार्किंसन सिम्टम्स है लेकिन पार्किंसन नहीं है, ऐसे केसेस रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे।
लेकिन अगर प्योर पार्किंसन डिजीज है,